सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि अंतरिम बेल 7 दिन और बढ़ाने की याचिका दायर की गई है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच के लिए 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। याचिका में केजरीवाल का वजन 7 किलो गिरने का दावा किया गया है और इसके अलावा केजरीवाल का कीटो लेवल बढ़ने का भी दावा किया गया। 1 जून तक के लिए केजरीवाल अंतरिम जमानत पर है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल चाहते ये है कि जो अंतरिम बेल है वो 7 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दी जाए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल उनकी ओर से दायर की गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली के सीएम हैं और सुप्रीम कोर्ट में एंट्रिम बेल बढ़ाने की याचिका उन्होंने दायर की है और आपको बताएं 1 जून तक के लिए पहले ही उन्हें एंट्रिम बेल दी गई है लेकिन इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं और इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि कई गंभीर बीमारियों के लक्षण हैं और इन्हीं गंभीर बीमारियों को आधार बनाकर 1 हफ्ते और की मोहलत मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से। तो अंतरिम बेल बढ़ाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की है उस पर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बहाना है खाली, आज 1 हफ्ते की मांग रहे हैं और अब तो उनकी गिरफ्तारी में भी 1 हफ्ता पड़ा हुआ है। 1 हफ्ता में ठीक होने ना जो भी बीमारी परेशानी है उनको, खाली एक बहाना है। मुझे लगता है कि कोर्ट अपना निर्णय सही लेगी, ऐसे गुनहगारों को बाहर छोड़ना अच्छा नहीं है कि जिन्होंने गुनाह की है उनका स्थान जेल में ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियाँ होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने है ही, कांग्रेस इस मामले में केजरीवाल के बचाव में आ गई है। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। कल तक इंटरव्यू देकर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी, अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आपको आपको हेल्थ के हिसाब से कुछ आपको करवाना वो अलग बात है, वो एक अलग बेल उनको मूव करनी चाहिए। और अगर कोई स्वास्थ्य की ऐसी ज़रूरत है तो फिर मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसमें कोर्ट को मानना चाहिए, किसी की भी अर्जी हो उसको। केजरीवाल साहब, आप रोड शो और रैलियों के लिए तो फिट हैं पर जब आवाज़ लगती है तिहाड़ जेल से कि केजरीवाल हाजिर हों तो केजरीवाल साहब बीमार हो जाते हैं। अब आप अपने मोहल्ला क्लिनिक में इसका इलाज क्यों नहीं करा रहे?